अभी ये मौका नहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी ये नहीं मौका छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्पमित राका जाधव। आज हम पहुंचे हैं भिंगार शहर में। गुलजार नाम से एक स्क्रैप की दुकान है। यहाँ पर दो सांप देखे जाने के सूचना मिली है। कहाँ पर है वो सांप? अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सांप है। आ जाओ आज इधर से, धीरे धीरे आ जाओ, भाग जाएंगे वो। अभी देखिए भागने लगे वो सांप, जैसे हम नज़दीक गए भागने लगे। कोई बात नहीं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। यहाँ पर काबड़ा तो बहुत ज़्यादा है। ये सांप आपस में लिपटे हुए आपने देखा, ये मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, असल में ये मिलन है या इनका ये फाइट है, ये आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो चलिए, अभी तो ये सांप अंदर चले गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रहेंगे, वो बाहर आने ही वाले हैं मीटिंग के लिए। ये देखिए आ गए, जाओ ना करो। तो हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। देखिए सांप सतर्क हो गए, देखिए देखिए तुरंत सतर्क हो गए। देखा आपने, जैसे वो सतर्क हो गए वो भाग गया। पहला तो भाग गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं छुपेंगे, वो वापस निकलने वाले हैं। तब तक हम आज आगे जाके रुकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सांप जो अंदर चले गए हैं, ये सतर्क हो गए क्योंकि यहाँ पर भीड़ जमा है। इस भीड़ के कारण ये सांप अंदर चले गए, लेकिन ये बाहर निकलेंगे। अभी देखिए आप, देखिए यहाँ से इस तरफ से निकले हुए हैं। धामनन सांप वेगळा आहे का? साप म्हणजे धामन, धामन प्रजातीचा साप आहे तो। तो देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल उनके नज़दीक हूँ क्योंकि मैं कुछ हिल नहीं रहा हूँ, इसलिए वो अभी मेरे पास आ चुके हैं। अगर मैं ज़रा भी हिलने की कोशिश की तो वो भाग जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। और असल में ये क्या हो रहा है, इस समय ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में ये सांप जोड़ी में निकलते हैं, नर और मादा। और कभी कभार ये भी होता है, एक मादा के पीछे लगभग 3-4 नर भी हो सकते हैं। तो आपको
दो के अलावा कभी कभार एक जगह पर तीन या चार सांप भी दिखाई दे सकते हैं। तो असल में ये क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका ये फाइट हो रहा है, कुछ कहते हैं कि इनका मिलन हो रहा है। असल में इनका ये मिलन का मौसम है और इस समय ये प्रजनन करते हैं। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये प्रजनन का समय है। इस समय तो सांपों को छेड़ना नहीं चाहिए या पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पर ये सांप अगर घुस जाए जहाँ पर इनको खुद की जान के लिए खतरा है, तो ऐसे सांपों को हमें पकड़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सांप रेस्क्यू किए हमने जो आपस में मिलन करते हुए दिखाई दे हैं। तो इस सांप का नाम है धामन, हिंदी में धामन, हिंदी में एक और नाम है घोड़ा पछाड़, इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक। बहुत से लोग धोखा खाते हैं कि ये नाग नागिन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नाग नागिन नहीं होते, असल में ये धामन सांप होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों, लगभग एक घंटा हुआ है ये ऐसे ही खेल रहे हैं, और जल्दी जल्दी मैं इनको पकड़ने जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे, फिर नहीं निकलेंगे। एक बार ये सतर्क हो गए तो फिर नहीं निकलेंगे, लेकिन ये मौसम ऐसा है ये दोबारा यहीं पर निकल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक और सूचना देना चाहूँगा कि अगर आपके घर के आसपास ऐसे सांप दिखाई देते हैं तो मारे नहीं, उनको पकड़ने का प्रयास ना करें। वो लगभग एक घंटे से छः घंटे तक खेल सकते हैं, तो इस तरह से वो बाद में अपने आप निकल जाएंगे। अगर आपको डर लगता है कि आपके घर के आसपास ऐसे सांप ना रहे, तो आप किसी रेस्क्यूअर को, जो हमारे जैसे रेस्क्यू काम करते हैं, उनको बुला सकते हैं, लेकिन सांपों को मारे नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ, फिर भी वो मुझे काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि सांप अगर आपके घर के आसपास ऐसे दिखाई देते हैं तो उनको, उनसे डरे नहीं और उनको मारने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों, अभी इनको पकड़ने का समय आ चुका है। बहुत देर से ये ऐसे ही खेल रहे हैं और अभी ये समय मिस नहीं करना होगा, इनको पकड़ना होगा। दोस्तों, वैसे तो ऐसे सांप हम पकड़ते नहीं हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन गांव वाले, आप देख सकते हैं पब्लिक कितना है, सांपों को डिस्टर्ब होता है, इनकी जान को खतरा होता है, और जिनके यहाँ निकलता है वो तो चाहते कि ये यहाँ से निकल जाए, वो डरते हैं। इसलिए ऐसे सांपों को हमने पकड़ना पड़ता है। अगर हम यहाँ से ऐसे ही निकल गए तो ये सांप ऐसे ही इधर खेलते रहेंगे और भीड़ जमा होती रहेगी, कोई पत्थर भी मार सकता है। इसके बाद मान लो ये चले भी गए तो बाद में फिर निकलेंगे, क्योंकि ये एक बार निकलने के बाद उसी जगह पर बार बार निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डरे नहीं सांपों को। देखिए मैं कितना नज़दीक हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं कर रहे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं वापस दोबारा वो बाहर निकले हैं। इस तरह से ये खेल शाम तक चल सकता है। ये सांप ऐसे ही बार बार निकलते रहेंगे। अभी ये मौका नहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी ये नहीं मौका छोड़ना पड़ेगा। तंद्रा दिन के तो चलो दोनों को पकड़ लिया है। अभी सर को थोड़ा साइड, तो दोनों भी धामन सांप है दोस्तों। अब इन सांपों को हम एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे ताकि ये सांप सुरक्षित रहे। तो दोस्तों आपने देखा, दो धामन सांप हमने रेस्क्यू किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए इन सांपों को यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो देखिए आप, ये सांप यहाँ पर अभी सुरक्षित है। तो दोस्तों आपने देखा, इन दोनों सांपों को यहाँ पर हमने रिलीज़ किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।